हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल तेजविन फूडी एंड क्राफ्टी। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मक्की की घाट, वो भी चटपट कुकर में, और एकदम स्वादिष्ट देसी तरीके का मक्के का दलिया, जो कि बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं। स्टार्ट करते हैं हमारी मक्की की दलिया की रेसिपी। तो हम लेंगे 2 बाउल मक्की का दलिया। अगर आप मार्केट का पैकेट वाला दलिया लेते हैं तो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप घर पे पीसा हुआ या चक्की का पीसा हुआ मक्की का दलिया यूज़ करते हैं तो इसे इस तरीके से एक बाउल में पहले धो लें, फिर आप एक चलनी लें और इस तरीके से उसका सारा थुस अलग से निकाल लें। ये मैं इस पानी में निकाल के इस चलनी से इसे छान रही हूँ। ये ऊपर इस तरीके से ये थुस बचेगा, ये वेस्टेज है, इसे हम अलग कर देंगे। अब ये धोया हुआ मक्की का दलिया हमारे पास फ्रेश बचा है, इसे हम अलग कर लेंगे। अब मैंने एक कुकर लिया है, उसमें मैंने 3 से 4 गिलास ही पानी डाला है और इसे अच्छा गर्म होने तक बॉईल करेंगे। पानी को अच्छा गर्म होने देंगे। अब इसमें धोया हुआ मक्की का दलिया ऐड करेंगे। पानी बॉईल होने के बाद लो फ्लेम कर दें, उसके बाद मक्की का दलिया डालें। उसके बाद इसे डालने के बाद लगातार हिलाते रहें, नहीं तो इसमें लम्स बन जाएंगे। इसे लगातार चलाते रहें जब तक कि एक उबाल ना आ जाए। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून नमक, या आप स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। अब इसमें अच्छे से एक उबाल आ चुका है। अब हम लेंगे 1 कटोरी मक्की का आटा और गैस को फिर से हम लो फ्लेम पर कर देंगे, और इस मक्की के आटे को थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालते रहेंगे। अगर हमने एक साथ डाल दिया तो इसमें लम्स बन जाएंगे और हमारा मक्की का दलिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो इसे थोड़ा थोड़ा करके डालें और लगातार इसे चलाते रहें जब तक कि इसमें एक उबाल ना आए, इसे चलाते रहें। अब हम लेंगे 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम पापड़ खार, इसे फूल सोडा भी बोलते हैं। अब इसे हम मक्की के दलिये में ऐड करेंगे और थोड़ी देर और पकने देंगे। ये अच्छे से इसमें उबाल आ चुका है मक्के के दलिये में। कुकर बंद करके 1 सीटी आने तक पकाएंगे। ये 1 सीटी आके हमारा मक्के का दलिया रेडी है। एकदम बहुत ही सिंपल रेसिपी है मक्के के दलिये की। इस मक्के का दलिया, या इसे घाट भी बोलते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको ये अच्छी लगी रेसिपी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स, बहुत सारे कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।